रेडी हो चुका हूँ मैं, अब निकलता हूँ क्लाइंट मीटिंग के लिए। आज पापा नहीं, आज पापा यहाँ पर चले गए। हाँ पापा नहीं, मम्मा के साथ चलो आज। सामने आप देख सकते हैं हॉलीवुड साइन। पापा गए, पापा इनको निकले बस 2 मिनट हुए हैं, मगर घर अभी से काफी खाली खाली लगने लगा है। पापा को मिस कर रहे हैं? जाने पापा के साथ जाना है रहा? कह रहे हाँ। ठीक है, आप लोगों के लिए टॉय लेके आऊँ मैं? टॉय लेके आऊँ आपके, ठीक है? चलो भाई। चलो भाई साक्षी, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू, अच्छे से जान। आगे क्या? चलो साक्षी, हाँ। इनको निकले बस 2 मिनट हुए हैं, मगर घर अभी से काफी खाली खाली लगने लगा है। मैं इतने बच्चों ने काफी टॉयज का फैलारा करा हुआ है, उसे साफ करती हूँ। एयरपोर्ट पहुंच गया मैं, ये EWR एयरपोर्ट है। स्प्रिंग ब्रेक खत्म हो रहा है, इस वजह से काफी भीड़ है सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी क्लियरेंस में काफी टाइम लग गया। मैं इतना भाग के अपने गेट पे पहुंचा और पता चला वहाँ पे कि फ्लाइट का गेट चेंज हो गया है और फ्लाइट डिले भी हो गई है। इनका भी फोन आया, इनकी फ्लाइट 1 घंटे डिले हो गई है और इनको लग रहा था कहीं ये लेट ना हो जाए। तो बस आयरा हमारी अभी सो रही है, दक्ष उठ चुका है, मैं अब डिनर की तैयारी करती हूँ। तो जब फ्लाइट डिले हो ही गई है तो मैं सोच रहा हूँ कॉफी पी लेते हैं। साढ़े 6 घंटे की फ्लाइट है और फ्लाइट पे तो वेजिटेरियन कुछ मिलेगा नहीं, दिख रहे हैं इनको ट्राई किया जा सकता है। मेरा डिनर मिल गया है तो फ्लाइट पे ही खाएंगे इसको। कितना रश है अभी भी, फाइनली बोर्डिंग शुरू हो गई है मेरी फ्लाइट की। बोर्डिंग पास स्कैन हो गया है, फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं। तो अब हम करते हैं डिनर। आज मैंने डिनर में सिंपल खिचड़ी बनाई है तो वही खाते हैं। हमारा डिनर हो चुका है तो बस अब सोने जाते हैं। कल दोनों बच्चों का स्कूल भी है, मेरा ऑफिस भी है, तो आपसे सुबह मिलते हैं। A few hours later. पहले एयरपोर्ट से लैंड कर गया हूँ। लगभग 3 घंटे फ्लाइट डिलेड रही, 9 घंटे की फ्लाइट हो गई। न्यू जर्सी में तो रात के 2 बज गए हैं। यहाँ से भी मेरे को रेंटल कार लेनी है और 1 घंटे की ड्राइव और है मेरी अभी। अब अपना बैग कलेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ रेंटल कार लेने। तो फाइनली रेंटल मिल गई है मुझे, जीप कंपस अवेलेबल थी इनके पास। तो अब चलते हैं होटल। होटल पहुँच गया हूँ मैं, तो फटाफट गाड़ी पार्क करते हैं और सोने चलते हैं। तो फाइनली मिल गया अपना रूम। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, बेसिक सा रूम है। ये हो गया इसका वॉशरूम। मुझे उठे हुए 24 घंटे करीब हो चुके हैं, तो मैं चलता हूँ सोने। आप सबसे मिलते हैं कल सुबह। The next morning. मैं उठ चुकी हूँ अभी, मैं सबसे पहले बच्चों का लंच रेडी कर रही हूँ, उसके बाद बच्चों को उठाकर उनको रेडी करती हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। हमारे दोनों बच्चे रेडी हो गए स्कूल के लिए। बच्चों आज पापा नहीं, आज पापा यहाँ पर चले गए। हाँ पापा नहीं, मम्मा के साथ चलो आज। अरे चलो बेटा बैग मेरे पास है, आप चलो। अरे बहुत है प्यारे यार आप। दोनों बच्चे बैठ गए, अब स्कूल चलते हैं। चलो चलो मम्मा आ रही है, चलो। अरे बाय, हम दक्ष के बस स्टॉप आ गए और वो प्ले करने निकल गया। मैं घर आ गई हूँ, बस अंदर चल के चाय बनाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो उठ चुका हूँ मैं और न्यू जर्सी के टाइम के हिसाब से ही नींद खुल गई मेरी, तो ज़्यादा नींद तो नहीं आई क्योंकि रात को लेट इतना हो गए थे, सेटल डाउन होने में 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। बट अभी तैयारी करते हैं क्लाइंट मीटिंग के लिए, मुझे कुछ प्रिपेयर भी करना है, तो आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर में रेडी होने के बाद। रेडी हो चुका हूँ मैं, अब निकलता हूँ क्लाइंट मीटिंग के लिए, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी मैं LA में आया हुआ हूँ और जिस लोकेशन पे मुझे जाना है वो यहाँ से 15 मिनट्स दूर है। तो ये रही हमारी कार, लेट्स गो। बहुत ही प्यारा वेदर है LA का और खासकर न्यू जर्सी से आने के बाद तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है कि हाईवे से ही पूरी माउंटेन रेंज दिख रही है। तो मैं पहुँच गया अपनी डेस्टिनेशन पे। दक्ष का टाइम हो रहा है, उसको लेने चलते हैं। दक्ष की बस आ गई है, दक्ष भी आ गया। हम घर आ गए, आयरा को थोड़ी देर बाद लेने जाएंगे, अभी उसके स्कूल में टाइम है तो थोड़ा ऑफिस का काम करते हैं। मीटिंग हो गई मेरी, काफ़ी अच्छी रही मीटिंग। अभी मेरी कुछ कॉल्स हैं तो मैं होटल से लूँगा कॉल्स, अभी वापस चलते हैं, उसके बाद देखते हैं आसपास क्या कर सकते हैं। तो जगह जगह जो पाम ट्रीज लगे हुए हैं इसकी वजह से एरिया इतना सुंदर लग रहा है। अपने होटल पहुँच गया हूँ मैं।
Your destination is on the right. मैं अपने रूम पे पहुंच गया हूं, अब अपना बाकी का काम फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। दक्षिण क्या लेके आए आप? सन लेकर आए, मून एंड अर्थ। सन मून एंड अर्थ? यस। ये किसने बनाया? मैंने अपना बनाया है। आपने अपना बनाया? यस, ये इजी बनाना है। इजी है बनाना? यस। अब आयरा को लेने चलते हैं। आयरा हाउस चलना है? चलो तो। इतने हैप्पी क्यों हो रहे हो आप? इतना सारी लाइक। ओ काम कर, अरे पैर नहीं रखते, आ जा। जंप स्टार्ट हो गई आपकी? जंप क्यों करते हो आप भाई? पापा कहाँ? पापा उसमें तो भैया है, पापा नहीं है, डैश पे है वो तो बेटा। चलो आयरा, डैश बेटा आप क्या कर रहा? ऑरेंज क्यों कराया? उठा लो। मेरा ऑफिस का काम खत्म हो गया है और अभी मैं जिस जगह हूँ वहाँ से हॉलीवुड कुल 20 मिनट की दूरी पे है। तो एक बचपन से तमन्ना थी कि कभी यूएस जाना होगा तो वो हॉलीवुड का बोर्ड देखेंगे, तो अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, कुल 20 मिनट की दूरी पे है, तो मैं सोच रहा हूँ वहीं चला जाए। तो मैं निकल गया हूँ हॉलीवुड के लिए। 5:30 बज रहे हैं शाम के और अभी देखिए कितनी धूप है यहाँ पे। फाइनली पहुंच गया हूं मैं हॉलीवुड साइन पे। तो सबसे पहले मैं गया ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि जीपीएस में अगर आप हॉलीवुड साइन डालते हैं तो आपको यहीं लेकर आता है। ये अपने आप में काफ़ी सुंदर जगह है, लेकिन यहाँ से हॉलीवुड साइन काफ़ी दूर दिखता है। मैं दिखाता हूँ आपको। फाइनली यहाँ से फेमस हॉलीवुड साइन दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा और जूम करता हूँ। अब मैंने हॉलीवुड साइन देख तो लिया था, लेकिन इसको इतनी दूर से देखने के बाद मन को तसल्ली नहीं मिली थी, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि कोई और बेटर लोकेशंस हैं जहाँ से हॉलीवुड साइन को पास से देखा जा सकता है। तो मुझे सनसेट रेंच एरिया के बारे में पता चला, तो फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट वहीं के लिए निकल लिया। सामने आप देख सकते हैं हॉलीवुड साइन। वाओ, लुक एट द व्यू गाइस, यहाँ से कितना क्लोज व्यू है। इट्स ऑलमोस्ट हम उसके नीचे ही आ गए। हम और पास जाते जा रहे हैं हॉलीवुड साइन के। तो मैंने एक ट्रेल ली है हॉलीवुड साइन के पास जाने के लिए। वाओ, कितनी शांति है यहाँ पे, बहुत सुंदर जगह है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्लियर व्यू आ रहा है इस टाइम। मैं अभी एक नई लोकेशन पे आया हूँ, तो यहाँ से आप देखिए कितना पास हो गया हॉलीवुड साइन। इस स्पॉट से बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू है। फाइनली एंड में जो मुझे व्यू मिला उसकी वजह से इस लोकेशन पे आना वसूल हो गया। तो भूख लगाई काफ़ी तेज, तो होटल चलने से पहले ही डिनर करते हैं कहीं। देख डिनर में क्या खाना है आपको? दाल रोटी एंड रायता। ठीक है, दाल कौन सी? येलो वाली? यस। ओके चलो बनाते हैं आपके लिए। आपको भी खाना है फूड? दाल खानी है? नहीं। अच्छा क्या खाना है रघु? अच्छा आपके लिए बनाते हैं। दक्ष या फूड इज रेडी, यही खाना था ना आपको? यस। खा लो। आयरा क्या कर रहे हो आप? फोन पे किससे बात कर रहे हो भाई? दक्ष भैया सो गया और आपको नींद नहीं आ रही? हाँ, इसको तो अभी प्ले करना है, पूरे मस्ती में। क्या हुआ? हमारा डिनर हो चुका है। 2 दिन से फीका खाना खा के पक गया मैं, तो अभी मैंने पास में ही यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा है। मेरा डिनर आ गया। तो डिनर हो गया है मेरा, काफ़ी अच्छा था डिनर। अब चलते हैं वापस होटल की तरफ। दक्ष हमारा सो चुका है, मैं आयरा को और सुलाती हूँ, तो मिलते हैं आपसे सुबह में। गुड नाइट। मैं अपने होटल रूम पहुंच गया हूं, पैकिंग भी करनी है बिकॉज सुबह की फ्लाइट है मेरी, तो मैं अपनी पैकिंग शुरू करता हूं और सोने की तैयारी करता हूं। तो आप लोगों से मिलते हैं कल सुबह। द नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से नवरात्रि भी शुरू हो गए हैं, तो मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज ऑफिस जा रही हूं, ऑफिस के लिए रेडी हो गई हूं। मेरा फास्ट भी है, तो मैंने फ्रूट्स कट करे हैं ऑफिस ले जाने के लिए, और मैं आपसे फिर शाम को आके मिलती हूं। स्कूल जा रहे हो ना? चलो तो बाय कर दो सबको। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है और बस अब मैं चेकआउट कर रहा हूँ और बस थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके सीधे एयरपोर्ट के लिए निकलता हूँ। तो मैं आ गया अपने ब्रेकफास्ट के लिए। ये रही मेरी कॉफ़ी, वेटिंग फॉर माय ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हो गया मेरा, अब मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट जाने से पहले रेंटल कार लौटानी है, तो पहले रेंटल कार लौटा के आते हैं, तो फिर वहीं से डायरेक्ट एयरपोर्ट निकलेंगे। कार रिटर्न करते हैं।
एयरपोर्ट पहुंच गया हूं मैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गया है, अपनी फ्लाइट बोर्ड करने जा रहा हूं। दोनों बच्चे स्कूल से घर आ चुके हैं, तो मैं भी अब चेंज करूंगी, फिर उसके बाद व्रत का खाना बनाऊंगी। ये भी आज रात को आ जाएंगे 10-11 बजे तक। A few hours later. Finally, New Jersey land हो गया हूँ। 6 घंटे की फ्लाइट के बाद काफी थकान हो रही है, तो मैं कैब देखता हूँ घर के लिए। और मैं एयरपोर्ट के बाहर आ गया हूँ, अपनी ऊबर का वेट कर रहा हूँ, 6 मिनट में आने वाली है। Right. Because like I said, a lot of these countries overseas is blowing up right now because. Yep. So finally, घर पहुँच गया हूँ मैं। अभी भी ड्रॉप किया ऊबर ने मुझे। Hello. कौन है? देख शबी 5 मिनट पहले से कहाँ आया? पापा मिस किया था? शर्मा कर रही है? आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही? दो दिन भूल गए बच्चा तो। सेमी सेमी हो गए तो क्या हुआ? क्या हो गया? नाराजगी थी घर की, अकेले कैसे गए थे? नाराजगी है इसकी। चलो कैसे रही आपकी फ्लाइट? बढ़िया रही। फ्लाइट तो बड़ी टायरिंग थी यार। हाँ चलो तो आप अपना चेंज कर लो। चाय वाय 6 घंटे अच्छा खासा हो गया, चाय कम पी रहा है, नींद नहीं आएगी। चलो ये बहुत थकान हो गई, अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी नए व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। प्यार कर रही पापा को। अरे पापा को मिस किया था? आंखों से बता दिए सारी बातें।